बिहार बोर्ड इंटर की वार्षिक परीक्षा 1 फरवरी से शुरू होने जा रही है। परीक्षा 1 फरवरी से 13 फरवरी तक चलेगी। अगर आप बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो ये खबर जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए कुछ नियम बनाए गए हैं। साथ ही परीक्षा में नकल पर नकेल कैसे कसी जाए, इन बातों का भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जब आप सेंटर पर पहुंचेंगे तो वहां गोलाकार चिन्ह मिलेगा। आपको गोलाकार चिन्ह पर खड़े होकर एंट्री लेनी है, जिससे कि शारीरिक दूरी बनी रहे। साथ ही आपको मास्क लगाकर ही परीक्षा सेंटर पर प्रवेश मिलेगा। अगर आप मास्क नहीं पहने रहेंगे तो आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। हर केंद्र पर छात्रों के बीच 2 गज की दूरी रखी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि आप परीक्षा देने के लिए कौन कौन से सामान लेकर जा सकते हैं। आप एडमिट कार्ड, पानी की बोतल, ब्लैक और ब्लू पेन, मास्क और हैंड सैनिटाइजर लेकर परीक्षा सेंटर पर जरूर पहुंचे। लेकिन हाँ, किसी भी हाल में आप सेंटर पर कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ना लेकर जाएं। अब हम बात करते हैं परीक्षा सेंटर पर की जा रही व्यवस्था की। परीक्षा सेंटर पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि उस विषय की परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती है। परीक्षा केंद्र पर CCTV कैमरे की व्यवस्था रहेगी। प्रति 500 छात्र पर एक वीडियोग्राफर रहेगा। हर परीक्षा केंद्र में कम से कम 2 एग्जामिनर रहेंगे। केंद्र पर प्रवेश के साथ ही छात्रों की जांच होगी। इसकी जिम्मेदारी दंडाधिकारी और पुलिस बल की होगी। शिक्षक या अन्य कर्मी परीक्षा कार्य से संबंधित कागजात के अतिरिक्त कुछ भी केंद्र पर नहीं ले जा सकते हैं। परीक्षा हॉल में छात्रों के साथ एग्जामिनर भी मोबाइल फोन नहीं रख सकेंगे। सभी केंद्रों के बाहर 200 मीटर की दूरी तक धारा 144 लागू रहेगी। विद्यार्थियों के अलावा परीक्षा केंद्र के अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा। छात्रों को परीक्षा केंद्र में परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले प्रवेश लेना आवश्यक होगा। अगर आप देर से सेंटर पर पहुंचते हैं तो आपको परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर किसी छात्र के एडमिट कार्ड में फोटो की त्रुटि होगी तो ऐसे छात्र अपने साथ आधार नंबर, वोटर ID, पैन नंबर आदि लेकर केंद्र पर प्रवेश पा सकेंगे। परीक्षा में नकल करते पकड़े गए तो परीक्षार्थी को 2000 जुर्माना देना पड़ेगा, या फिर 6 महीने की जेल, या फिर दोनों दंड लग सकता है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में 13,50,507 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसमें सबसे ज्यादा कला संकाय में 7,30,569 परीक्षार्थी हैं। विज्ञान संकाय में 5,45,401, वाणिज्य संकाय में 74,024 परीक्षार्थी शामिल होंगे। पूरे प्रदेश में 1,473 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। पहली पाली की परीक्षा का समय सुबह 9:30 बजे से 12:45 तक होगा। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 1:45 से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। लिहाजा आप सचेत रहें, इन बातों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा सेंटर पर पहुंचे। आप सभी परीक्षार्थी को बिहार तक की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।